वेलकम बैक टू माय वीडियो। मेरे ख़्याल में मुझे थोड़ी सी कंघी कर लेनी चाहिए थी वीडियो बनाने से पहले, पर मैं इतनी बॉदर क्यों नहीं करती। आई हैव नो आइडिया, लाइक आई हैव नो आइडिया वाई आई डोंट बॉदर मेकिंग गुड वीडियोज़, और मैं अपने आप को सही तरीके से कंघी वगैरह क्यों नहीं करती। बाहर जाती हूँ तब करती हूँ, वीडियो बनाते हुए क्यों नहीं। दिस इज़ बियॉन्ड इनसेन, आई मस्ट बी पनिश्ड। पनिश। एज यू कैन सी, मेरे पिछले व्लॉग पे जो मैंने अभी अपलोड किया है आज ही, उसमें मैं गई थी फूड फेस्ट इस्लामाबाद। फूड फेस्ट अनफॉर्चुनेटली कोविड की वजह से बंद था। मुझे इतनी समझ हो जानी चाहिए थी, पर मैंने वो हाइप देखी सोशल मीडिया पे एंड आई जस्ट कुडंट हैंडल कितना अच्छा खाना मिल रहा है और मैं नहीं हूँ। दुख होता है। एनीवेज, एज यू कैन सी दिस इज द बलून। और ये लाइक वो थोर के पास हैमर नहीं होता है, मैंने रिसेंटली एक फ़ोटो अपलोड किया जो मैं शायद इधर लगा दूँ। उसमें मैंने बताया अगर आप डिप्रेस हैं तो मैं बलून के साथ आ रही हूँ उसको ख़त्म करने। वाई बलून मेरी स्टोरी बहुत पहले से शुरू होती है। ओके, इट्स नॉट जस्ट चीप बलून जो कि रोड से लिया। अच्छा थोड़ा सा था लेकिन फिर भी इट वॉज द बलून। मैं स्टार्टिंग में जो बचपन में वो ये अंकल जिन लोगों ने भी बनाया है बलून, वो लोग काफ़ी ज़्यादा बेचते हैं ना, तो मैं रोड पे कहती थी कि हो जाए, लेकिन हर बार ट्रैफिक इतनी ज़्यादा होती थी, मैं गाड़ी आगे लेके जानी पड़ती थी और पीछे बलून वाला रह जाता था। सो एज यू कैन सी, उसके बाद फिर वी स्पेंड टाइम टुगेदर, डिडंट वी। तो बेसिकली मैं इसकी ये देख रही थी कि बना किस तरीके से। ओके, ये लोकल बना है और इतना तो मुझे पता है। और इसके इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि इन लोगों ने खुद बनाया, लाइक ये बैटरी है जैसे कि आप देख सकते हो। मैं जूम इन कर दिखा देती हूँ, यानी कि नहीं ब्लास्ट मेरे हेडफोन्स क्या कर रहे हैं आगे पीछे शूट शूट पढ़ने के साथ हेडफोन। एनीवेज, दिस इज़ द बैटरी, और ये इन लोगों ने ना वायर कनेक्ट किया जो कि ऊपर जा रही है मेन स्ट्रीम। उसके साथ इन लोगों ने ये स्ट्रॉ बड़ा सा अटैच किया, स्ट्रॉ चुपा है, आई डोंट नो चुपा, इट लुक्स लाइक ए लॉलीपॉप बट स्टिल, इन बड़ा सा स्ट्रॉ अटैच किया, उसके अंदर से इन लोगों ने ना वायर्स निकाली हैं जो कि कनेक्ट किए हैं, और फिर इसके साथ ना कलरफुल वायर्स कनेक्ट किए। देखो ऑन, कलरफुल वायर्स ऑन हो गई, सही है। और या और फिर इसके इर्द गिर्द किया और इस बलून को ब्लो अप वीजन पे पहुंच सकते हैं, दैट दिस थिंग, और फिर इसके सकना किया, विच इज़ काइंड ऑफ फैबुलस इफ यू मस्ट एडमिट। एक्सपेशली आई लाइक यू नो सॉर्ट ऑफ टैकी स्टफ जिसमें सही तरीके से किसी चीज़ का मैकेनिज्म ब्रेक डाउन जल्दी से हो जाए और वो जल्दी से बताया जाए किस टाइप ऑफ प्रोजेक्ट प्रोडक्ट किस तरह का बना है और उसको आगे किस तरीके से इम्प्रूव किया जाता है। और दिस इज़ वन ऑफ दिस प्रोडक्ट जो कि बहुत आसानी बन सकता है, लाइक ना सिर्फ बहुत आसानी बन सकता है, इट इज़ एक्चुअली अ गुड प्रोडक्ट एंड लेजिट प्रोडक्ट, स्पेशली इट मेक्स मी हैप्पी, आई हैव टू स्टॉप। सो यह बाकी दिन कैसा जा रहा है आप सोच रहे हो? वेल, मैं उठी थी, सही है, जैसे मैं रोज़ उठती हूँ। उसके बाद मैंने खाना खाया और फिर मैंने पढ़ा और आखिरकार मेरे पास अब कहीं जाके थोड़ा सा टाइम हुआ आया है कि मैं अब बलून के साथ थोड़ा टाइम खेल सकूँगा। इट माइट बी लाइक नोबडी प्लेज विद अ बलून, इट इज़ एक्सट्रीमली चीप। मैं और मेरे बलून का, वेल बलून एंड सर्टेन लिटिल थिंग्स कैन एक्चुअली मेक मी हैप्पी इफ देयर लेजिट। और मैं और मेरे बलून का गैंग आ रहे हैं थ्रू आउट द सिटी टू हेल्प यू बी हैप्पी। Isn't that right, balloon? My balloon agrees. Yeah, literally, this we could be the balloon gang. Punishable. So yeah, that was pretty much it. I just wanted to show कि आजकल मैं क्या कर रही हूँ और आज का मेरे दिन कैसे गुजरा। आज का ज़्यादा time सिर्फ पढ़ाई और इस balloon के साथ गुजरा। Can you really blame me? I mean, come on, guys, come on. I mean, it's very good. Come on. Like seriously, I respect जो लोग कुछ बना के बेचते हैं, especially जो चीज़ें toys वगैरह होते हैं वगैरह, तो
आई रिस्पेक्ट दोस पीपल जो एक्चुअली चीज़ें बनाते हैं और बेचते हैं, ना कि सिर्फ चीज़ें मांगते हैं कि वैल्यू इन एक्सचेंज प्रोवाइड करते हैं। सीरियसली अंकल कुड रियली ग्रो हिज बिजनेस अगर वो सोशल मीडिया पे आए। आई मीन मेरे जैसे लोग तो फौरन आएंगे। सीरियसली अगर आपका बिजनेस है, सीरियसली अगर आपका बिजनेस है वो सोशल मीडिया पे नहीं है तो कुछ नहीं हो सकता। लाइक सीरियसली यू नीड टू गेट योर बिजनेस ऑन सोशल मीडिया। सबसे ज़्यादा ना सिर्फ सेल्स उधर से जनरेट होती हैं, ज़्यादा ऑडियंस की रुचि होती है और ज़्यादातर प्रोडक्ट्स बिकते हैं अगर आप इन अंकल की तरह हैं। लेकिन सिर्फ बाहर बेच रहे हैं, लाइक अंकल बाहर ही बेच रहे थे, मैं जानती हूँ उनके पास सोशल मीडिया अकाउंट नहीं होगा। अगर होगा भी तो बेच नहीं रहे होंगे, क्योंकि बेच रहे होते मैं ऑनलाइन ख़रीद लेती। ये शायद मुझे पता नहीं है वाई इज़ लाइफ सो कॉम्प्लेक्स इंटरमीडिएट। हर चीज़ इट इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स। एनीवेज अगर आपका बिज़नेस बेसिकली सोशल मीडिया पर नहीं है तो फिर अगर आपका बेसिकली बिज़नेस सोशल मीडिया पर नहीं है तो कुछ नहीं हो सकता। सही है, चलो कुछ हो तो सकता है, लेकिन आपकी इतनी प्रोडक्ट्स नहीं बिकती। ज़्यादा टाइम अब जो लोग लेते हैं सोशल मीडिया से लेते हैं, लाइक स्पेशली ड्यूरिंग कोरोना मैं हर चीज़ ही सोशल मीडिया से ऑनलाइन मंगवाते हैं। मैं बुक स्टोर्स पे भी नहीं बुक्स देखने जाती, मैं सारी की सारी 3-4 पेजेस लाइक किए मैं उनको फॉलो कर रही हूँ 2 पेजेस को और उन्हीं से मंगवाती हूँ बुक्स वगैरह हर चीज़ तकरीबन। और काफ़ी अच्छे अच्छे सोशल मीडिया पे अब तो सब ऑनलाइन का ज़माना है सही तरीके से। तो या बिज़नेस अगर आपका ऑनलाइन नहीं है तो फिर ऑफलाइन भी नहीं रहेगा, एक्स्पेशली आफ्टर कोविड। ओके, कोविड ने तो लाइक सारे के सारे तकरीबन जो नए भी थे ना ऑनलाइन बिजनेसेस उन सबको ना ऑनलाइन करवा दिया, क्योंकि अब उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं है सो ऑनलाइन बेचने के। तो या दैट्स प्रीटी मच इट। सो या आई थिंक इतना काफ़ी है। बाकी मैं अपना पढ़ती हूँ और फिर मैं वॉक करती हूँ और बाकी आपको अपना दिन और बताती हूँ, और अगर पॉडकास्ट की तो वो अपलोड कर दूँगी। सो टिल नेक्स्ट टाइम गुड बाय। एक सेकेंड, सही नहीं हुआ ऑन करना। गुड बाय आ मैं ना बबू।